अगर आप नए यूट्यूबर है और आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं और वीडियो अपलोड करते करने के साथ ही आपके वीडियो पे यहाँ पे कॉपीराइट आ जाता है, तो मैं आपको बताऊँ कि आप अपने वीडियो से कॉपीराइट को कैसे रिमूव करेंगे, कैसे हटाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे देखें आपको क्या करना है, वीडियो पे क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब यहाँ देखें रेस्ट्रिक्शन में कॉपीराइट दिखाई दे रहा है, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखें कॉपीराइट है और नीचे देखें रिव्यू इशू है, इसी पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कॉपीराइट का जो इन्फॉर्मेशन है वो ओपन हो जाएगा। ये आपका वीडियो है और कहाँ पे कॉपीराइट आया वो यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो मोटा लाइन है यहाँ से यहाँ तक आपको कॉपीराइट आया हुआ है। अब नीचे देखें कॉपीराइट क्या चीज़ में है, ऑडियो में। यहाँ देखें ऑडियो लिखा हुआ है, गाना यहाँ पर लिखा हुआ सनम रे, और किसने कॉपीराइट दिया है नीचे नाम दिया हुआ है। अब देखें यहाँ पर लिखा नो इम्पैक्ट, इसका मतलब है कि आपके चैनल पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। डिटेल देखने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए डिटेल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखें डिटेल क्या है, ऑडियो, ऑडियो कौन सा है सनम रे, और कंटेंट ऑनर कौन है टी सीरीज म्यूजिक, इम्पैक्ट ऑन वीडियो यानी आपके वीडियो पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप इसे हटा भी सकते हैं नहीं भी हटा सकते हैं। अब देखिए आप कॉपीराइट हटाने के लिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्शन डैट यू कैन, आप म्यूट कर सकते हैं जहाँ पे कॉपीराइट आया हुआ है, या फिर उसे ट्रिम करके हटा सकते हैं, या फिर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताऊंगा दोनों बारी बारी से। सबसे पहले मैं अगर ट्रिम करना चाहते हैं तो ट्रिम आउट सेगमेंट है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका वीडियो दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखें कहाँ से कहाँ तक आपका कॉपीराइट है, जैसे मेरे ये वाला वीडियो पे, यहाँ पे मेरा पूरे वीडियो पे कॉपीराइट आया हुआ है। अगर मैं इसे ट्रिम करता हूँ तो मात्र यहाँ पे मेरा कितना 2 से 3 सेकंड बचेगा, बाकी सारा सारा हट जाएगा। जैसे कि मैं प्रीव्यू करके मैं आपको दिखाता हूँ, प्रीव्यू करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो देखें यहाँ पे केवल मेरा 4 सेकंड का जो वीडियो है वो बचेगा, बाकी सारा का सारा ट्रिम आउट हो जाएगा यानी हट जाएगा। अब मैं आपको उसे बैक करके मैं दिखाता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक मेरा कॉपीराइट आया हुआ वीडियो पे। तो इसमें प्रीव्यू को चले पहले मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पर देखें मेरा 2 सेकंड से लेके 1 मिनट 59 सेकंड तक मेरा कॉपीराइट आया हुआ, और अगर मैं इसे ट्रिम करता हूँ तो मात्र 4 सेकंड मेरा वीडियो बचेगा। अगर आपके वीडियो पे पूरा में कॉपीराइट आया हुआ तो आप उसे ट्रिम नहीं कर सकते हैं, आप उसे म्यूट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वीडियो में कुछ पार्ट में कॉपीराइट आया हुआ तो उसे आप ट्रिम करके हटा सकते हैं, तो और अगर पूरा वीडियो में कॉपीराइट आया हुआ तो उसे आप म्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ऊपर म्यूट सेगमेंट है, यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो देखें मेरे वीडियो में यहाँ पे पूरे में कॉपीराइट आया हुआ है। अगर मैं इसे म्यूट कर देता हूँ, या फिर इसे म्यूट करना है तो म्यूट करने के लिए नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करके सिंपली से आपको क्या करना है, यहाँ पर देखें रेडी टू म्यूट दिस चैनल, आपको म्यूट पर क्लिक कर देना है। जैसे म्यूट पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा इस तरह से प्रोसेस होगा, लोडिंग होगा, और यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें मेरा यहाँ पे क्या है, जो वीडियो जो यहाँ से यहाँ तक जो मेरा कॉपीराइट आया था मैंने इसको म्यूट कर दिया। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है वीडियो एडिटिंग इन प्रोग्रेस, इस तरह से लिखा हुआ आएगा। इसे चलिए बैक करते हैं, वाइट स्टोर दोबारा आते हैं, और यहाँ पर मैं कॉपीराइट था मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश जैसे ही करेंगे यहाँ पर देखें मेरा रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर चेकिंग है, और क्वालिटी मेरा एडिटिंग प्रोसेस है, एडिट प्रोसेस। थोड़ा सा और इंतज़ार करने के बाद चलिए इसे बैक करते हैं, और बैक करने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे आपका जो कॉपीराइट आया हुआ था वीडियो पे वो रिमूव हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं मेरा में यहाँ पे रिमूव हो चुका है, और मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। देखें यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन में नन आ चुका है, यानी मेरा कॉपीराइट यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने वीडियो में अगर कॉपीराइट आया हुआ है तो आप रिमूव कर सकते हैं।